안내려가서 원하여 많이 마셔서 외국어도 제정하면 절절절절 싸우다가 눈물로 기다 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 देखो भाई साहब, थंबनेल में जैसा देखा आपने वैसा कुछ भी नहीं है, मगर हाँ, आपको अपना बचपन फिर एक बार महसूस करना है तो आप रुककर वीडियो का आनंद ले सकते हो, और नहीं तो वीडियो छोड़कर जा सकते हो। अगर आप अभी भी रुके हुए हो तो विश्वास कीजिए कि आज का ये वीडियो आपको अपना बचपन याद दिला देगी। आज हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर 2004 में रिलीज हुआ नेपाली एक्शन ड्रामा कॉमेडी मूवी हामी तीन भाई के बारे में। अंदाजा लगाया जाए तो मैं जब 2 साल का था तब ये मूवी रिलीज हुआ था, इसीलिए इस मूवी के साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। भाई साहब, अगर आप भी नेपाली हो और आप भी नेपाली फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हो और आने वाले दिनों में और भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके वो लाल कलर का बटन जरूर दबा देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। वेल, मेरा नाम है स्नू सेब और आप देख रहे हो स्नू सेब यूट्यूब चैनल। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लेट शिवा रेग्मी जी ने और प्रोड्यूसर राजेश अमाल सर थे। जी हाँ भैया, इस मूवी में मेन एक्टर भी यही थे। इस मूवी में और भी 8 मेन एक्टर्स थे जिन्होंने इस मूवी को इस लेवल तक लाने के लिए अहम किरदार निभाया था, जिनमें से राजेश हमाल, लेट श्री कृष्ण श्रेष्ठ, निखिल उप्रेती, झरना थापा, रेखा थापा, नंदिता केसी, रवि गिरी, भास्कर पराजुली और दीपिका पौडेल थे। इस मूवी का बजट नेपाली 60 लाख था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 1 करोड़ 60 लाख रुपए कलेक्शन किया था। मूवी का बात करें तो मूवी का स्टोरी ने उस वक्त सबको रुला दिया था। जी हाँ भाई साहब, इतना इमोशनल स्टोरी है इस मूवी का कि किसी को भी रुला सकता है। आपने कभी रोते वक्त हंसते हुए इंसान को रोते और हंसते हुए देखा है? नहीं देखा हो, मगर मैंने देखा है। इस मूवी में सिर्फ इमोशनल ही नहीं, कॉमेडी सीन भी बहुत है जो आपको हंसते हंसते रुला देगी। इस मूवी का स्टोरी 80% लोगों का वास्तविक जीवन को झलकाता है। इस मूवी में आपको सभी एक्टर्स का 100% मेहनत देखने को मिलेगा, जो कि अभी का कोई मूवी में भी नहीं होता है। मूवी का स्टार्टिंग में आपको ये मूवी बहुत हंसाएगी, मगर जब मूवी का 25% खत्म होगा तब आपको बहुत सारे इमोशनल सीन और एक्शन देखने को मिलेगा। ये मूवी अगर आपने बचपन में देखा होगा तो यूट्यूब का कसम खाकर बोल रहा हूँ, इस मूवी का नाम सुनते ही आपको अपना बचपन का वो गोल्डन पल याद आ गया होगा। तो बस यही था मेरा बचपन का फेवरेट मूवी, जिसको मैं अब भी उतना ही पसंद करता हूँ जितना की बचपन में करता था। तो आपको क्या लगता है, इस मूवी का पार्ट 2 बनना चाहिए या नहीं? और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर देना। हमें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।